नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वही प्रेम और ममता की मूर्ति स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती है। वही देवी भागवत पुराण के अनुसार भोलेनाथ के अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता कहा गया है। स्कंद माता की कथा इस प्रकार है। प्राचीन कथा के अनुसार ताड़कासुर नाम एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए ताड़कासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही होगा। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दे कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। ताड़कासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। ताड़कासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और ताड़कासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद में कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। स्कंद माता का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद माता रूपेण संसिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः।